हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ट्यूनिंग फॉर टेस्ट का फोर्थ पार्ट है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्वाब बायस टेस्ट के बारे में। तो जैसे हमने एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट किया था, ये इसी तरह का होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में हम जो है ई ए सी को क्लोज करते थे, ठीक, बाकी इसमें जो है ई ए सी को क्लोज नहीं करते, ओपन रखते हैं स्वाब बायस टेस्ट में। तो स्वाब बायस टेस्ट में भी दो क्राइटेरिया का होना जरूरी है, सबसे पहले पेशेंट और एग्जामिनर के बीच में करते हैं, और इसमें जो एग्जामिनर है उसको नॉर्मल एज्यूम करते हैं कि उसकी हियरिंग नॉर्मल है। तो ठीक, सबसे पहले ट्यूनिंग फार को वाइब्रेट कराने के बाद पेशेंट के मैस्टाक प्रोसेस पर रखते हैं, जब पेशेंट को सुनाई देना बंद कर जाए फिर एग्जामिनर अपने मैस्टाक प्रोसेस पर रखता है। तो अगर एग्जामिनर को अब भी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर का जो बोन कंडक्शन है पेशेंट के बोन कंडक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। बट अगर पेशेंट को सुनाई देना बंद कर जा रहा है फिर एग्जामिनर को रख रहे हैं, तो अगर एग्जामिनर को नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो है जो पेशेंट का बोन कंडक्शन और एग्जामिनर का बोन कंडक्शन दोनों इक्वल है, इसका मतलब हियरिंग नॉर्मल है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसी रिएक्शन को फिर रिवर्स ऑर्डर में भी करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में कैसे करते हैं, सब इसको ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराने के बाद सबसे पहले एग्जामिनर अपने मैस्टाक प्रोसेस पर रखता है, फिर पेशेंट के मैस्टाक प्रोसेस पर रखता है, मतलब जब एग्जामिनर को सुनाई देना बंद कर जाए फिर वो कहाँ रखेगा, पेशेंट के मैस्टाक प्रोसेस पर रखता है। तो अगर दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब नॉर्मल हियरिंग है पेशेंट की। बट अगर एग्जामिनर को जब अपने मैस्टाक प्रोसेस पर जब एग्जामिनर रखा, जब उसको सुनाई देना बंद कर गया, उसके बाद जब वो पेशेंट के मैस्टाक प्रोसेस पर रख रहा है, अगर पेशेंट को अब भी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो देखो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैसे है, क्योंकि एयर का कंडक्शन हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो है जो पेशेंट का कॉकलिया है वो जो है साइलेंट इन्वायरमेंट में, जो कॉकलिया जब साइलेंट इन्वायरमेंट में है तो उसको जो है ज़्यादा बोन कंडक्शन उसको ज़्यादा मतलब क्लियर सुनाई देगा, वहीं जो पेशेंट का कॉकलिया है वो नॉइजी इन्वायरमेंट, क्योंकि उसका एयर कंडक्शन भी हो रहा है, इसकी वजह से उसको बोन कंडक्शन कम सुनाई दे रहा है, बोन कंडक्शन से कम सुनाई दे रहा है, इसलिए जो है पेशेंट को क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, क्योंकि उसका कॉकलिया जो साइलेंट इन्वायरमेंट में सुन रहा है, और जो पेशेंट का जो एग्जामिनर का कॉकलिया नॉइजी इन्वायरमेंट में सुन रहा है, क्योंकि पेशेंट को जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, इसलिए उसका बोन कंडक्शन ज़्यादा आ रहा है। जब एग्जामिनर पे करने के बाद एक्सपेरिमेंट को जो पेशेंट पे किया जा रहा है, मतलब जो एग्जामिनर को जब सुनाई देना बंद कर गया, उसके बाद जब इसको जो है ट्यूनिंग फार को पेशेंट के मैस्टाक प्रोसेस पर रखा गया, तो पेशेंट को जो है फिर भी सुनाई दे रहा है, इसका मतलब पेशेंट का बोन कंडक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो ये था क्या, स्वाब बायस टेस्ट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।